जी मेरा नाम ज़िशान है, यहाँ पीछे हमारी होटल है ज़िशान रेस्टोरेंट ज़करिया स्ट्रीट में बैक साइड पे, और ये रमज़ान का स्पेशल हम लोग लगवाते हैं स्टॉल और फ्राई। इसमें चिकन कबाब होता है, बीफ कबाब होता है, फ्राई वगैरह, और कभी तिरंगा चिकन स्प्रिंग रोल, और बहुत सारे आइटम हमारे अभी ख़त्म हो गए। चिकन चीज़ जी, चिकन चीज़ बॉल होते हैं हमारे, चिकन कुल्फ़ी होते हैं, और ये आगरे का स्पेशल हलवा पराठा लगा हुआ है हमने। ये स्पेशल आगरे का हलवा पराठा है रमज़ान के लिए, ये जो दोनों सिर्फ सिर्फ रमज़ान के लिए ऐसा, यहाँ वेज कर दिया, वो नॉन वेज कर दिया, इसे हमने डिवाइड कर दिया। पराठा बना दो आप, ये आइटम है कहाँ का? हमें तो उम्मीद नहीं थी भाई हिट होगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से हिट हो गया बहुत, और एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा रिस्पॉन्स आएगा। ये है कहाँ का आइटम? ये आगरा का, हम लोग भी आगरा से भाई पसंद कर रहे हैं, और बंगाली तो सबसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। कितनी भीड़ होती है माशाल्लाह, वो तो अफ्तार के टाइम में अगर आप आएँ तो आप खुद देख लीजिए। अब हम लोग आ गए हैं तस्कीन के ठीक सामने, ज़िशान, ज़िशान के साथ, ज़िशान को हैरान परेशान करने ये ज़िशान का आइटम्स है। देख लीजिए वहाँ पर ज़िशान का कबाब वगैरह सब है, हलवा है, रोटी पूड़ी है, और कई तरह का तरीके का तिरंगा आप देखिए एक बार सामने, हर किस्म का आपको आइटम मिल रहा है। ये चिकन भी है, सब मिक्स है। तो यही बोलेंगे जो प्यार करते हैं खाने से, मोहब्बत करते हैं, जिनका लगाव है, जिनको शौक़ है, तो ज़रूर ज़करिया स्ट्रीट कोलूटाला, रमज़ान करीम मुबारक की आखिरी मंजिल ईद की तरफ कदम बढ़ रही है, ज़रूर आपके चैनल के माध्यम से फिर से गुहार लगा रहे हैं, पुकार रहे हैं जो खाने के शौकीन हैं कि डोंट वेट, इट विल बी टू लेट, आइए यहाँ ज़करिया स्ट्रीट में। तस्कीन है, दिल्ली सिक्स है, ज़िशान का यहाँ कबाब्स है, फालूदा है, हलवा पूड़ी है, सब कुछ है। ये मौका टेस्ट का बार बार नहीं मिलेगा, साल में एक बार मिलेगा, तो डोंट मिस। व्हाट आर यू ऑल वेटिंग फॉर, कम एंड ईट, फाइट विद फूड। नाम है चंदा पहलवान, कहते हैं वहाँ पर आगरा में। अब आगरा के रहने वाले हैं, यहाँ कितने साल से? पहली साल है। तो ये जो बनाते हैं आप हलवा पराठा, तो कितने साल से बनाए इसको? ये तो हमारी पांचवी पीढ़ी है। यहाँ पर क्या रिस्पॉन्स है, कैसे लोग पसंद? बहुत अच्छा पसंद कर रहे हैं लोग, बाग वो खा भी रहे हैं और बिक भी रहा है। कैसा लग रहा है वहाँ और यहाँ में? अच्छा लग रहा है, सब लोग खा रहे हैं, सबको मिल रहा है, जो क्वालिटी वहाँ बनाते हैं वो यहीं। कोलकाता का भी बाज़ार अच्छा है, बहुत बिक रहा है माल, बहुत सेल हो रही है। जाते हैं कर्नाटक, जाते हैं बम्बई, जाते हैं और भी जगह जाते हैं, पूना जाते हैं, सब जगह जाते हैं, इस समय भी जाते हैं और दरगाहों पर भी जाते हैं। बंगाल हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट एक सामाजिक संस्था है, और इसके फाउंडर शेख जुल्फिकार अली हमेशा लोगों के भलाई के लिए जमीनी स्तर से जुड़े हुए काम करते हैं। ये संस्था लोगों के जरूरतों को पूरा करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है।